हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाले कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो जो ये हमने कटोरी ब्लाउज की कटिंग की है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कटोरी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लाइनिंग नीचे रखी है, लाइनिंग के ऊपर मैंने ये कटोरी का जो पार्ट से ये रखा है, तो ये रॉन्ग साइड है, ये ऊपर की ओर राइट साइड है। तो यह इस तरह से हम दोनों साइड को रखने के बाद यहाँ से इसके चारों तरफ से इसे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो पहले इसे पिन चारों तरफ से पिनअप भी कर सकते हैं। देखिए, इसे हमने इसे ज्वाइन कर लिया। इसी तरह हमें दूसरा साइड का भी पार्ट ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों कटोरियों की लाइनिंग ज्वाइन कर ली है। अब हम इन्हें टक्स लगाएंगे। तो टक्स के लिए हम रॉन्ग साइड से लेंगे। तो जहाँ पे हमने ये देखिए, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे। ये रॉन्ग साइड से हम इसे कटोरी की साइड से जो नीचे की बॉटम है यहाँ से इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके सेंटर में हम नीचे की ओर से 1.5 इंच लेंगे। और ऊपर के 2.5 या 2.25 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे तिरछी लाइन देके ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो दूसरे साइड को भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे। ऊपर की ओर हम यहाँ पे 2.5 लेंगे, आप 2.25 भी ले सकते हैं। और नीचे की ओर से हम 1.5 लेंगे और इसे तिरछी लाइन देके ज्वाइन करके यहाँ से हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई लेने के बाद अब हम ये जो कोना है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की ओर और इसे भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये कोना है, इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी ये कटोरी इस तरह से आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों कटोरी टक्स की सिलाई लगा दी। अब इसके साइड के जो दोनों पार्ट्स है उसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे लाइन के साथ। ये देखिए, हमने दोनों साइड की लाइनिंग ली। इसके ऊपर हम ये जैसे हमने कटोरी को रखा था लाइनिंग के ऊपर रॉन्ग साइड, उसी तरह हम इसे भी रखेंगे। तो ये राइट साइड ऊपर आने चाहिए और इनके भी हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इसे पिनअप भी कर ले पहले। इस तरह से रखने के बाद इसके चारों तरफ से हम सिलाई लगा के लाइनिंग के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे पिनअप कर लिया इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे चारों तरफ से। अब हमें जो कटोरी को हमने यहाँ पे टक्स की सिलाई लगाई, अब उसके साइड का हम पार्ट्स ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, इस पर हम ये कटोरी को इस तरह रखेंगे, राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और इस तरह से यहाँ से इसे ये जो कटोरी का गोलाई का भाग इस पर रखेंगे और इस तरह से इसको गोलाई में से सिलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से। हमें यहाँ पे खींच के सिलाई नहीं लगानी है।
से डबल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटोरी के साइड का पार्ट हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम बैक पार्ट ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने ये बैक पार्ट लिया है इस तरह से, और लाइनिंग लेंगे हम इसके। देखिए इस तरह से ये लाइनिंग के ऊपर हमें राइट साइड रखेंगे। इस तरह से हम दोनों बराबर रख लेंगे। ये देखिए इसे पहले हम पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा जो नीचे की लाइनिंग है वो फटे नहीं एक साइड से। तो हम इसे बराबर दोनों को साथ में पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद इसे हम नेक को सिलाई लगाएंगे, और नीचे हमारा जो वेस्ट साइड है वहाँ पे भी हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इसे सीधा करेंगे। नीचे भी हम सिलाई सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने बॉटम की तरफ सिलाई लगा दी और नेक की तरफ भी। अब हम थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे, जो हमारी लाइनिंग है इसे नेक के बराबर कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाएंगे नेक साइड में, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब यहाँ से ये देखिए इस साइड से जो हमारे आर्म होल के नीचे से यहाँ से हाथ डाल के इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो इन्हें हम बराबर कर लेंगे पहले, और एक यहाँ से एक प्रेस की सिलाई लगाएंगे नेक को और नीचे वेस्ट के साइज को भी। तो यहाँ भी हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे और यहाँ भी नेक को। ये देखिए हमने नेक के पूरे राउंड में सिलाई लगा दी। अब नीचे हम यहाँ पे बॉटम की तरफ, यानी कि जहाँ पे हमारी वेस्ट है वहाँ भी हम नीचे बॉटम की तरफ एक सीधी सिलाई लगाएंगे।
साइड से हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि लाइनिंग और साइड से पार्ट्स जॉइंट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने साइड से भी इसे ज्वाइन कर लिया सिलाई देके। अब हम इसको बैक टक्स लगाएंगे। बैक टक्स के लिए हम जो सेंटर पार्ट सेंटर में हम इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने कटिंग के वक्त यहाँ पे निशान लगाया था, यहाँ से हमने लिया था 3.5 इंच और ऊपर की ओर लेंगे हम 3.5 इंच और उसके साइड से लेंगे हम आधा आधा इंच। इस तरह से तिरछी लाइन से इसे ज्वाइन करके तिरछी लाइन देंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे इस सेंटर से। यहाँ पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी लेंगे हम 3.5 इंच उसके साइड से लेंगे हम आधा आधा इंच और इसे इस तरह से तिरछी लाइन देके इसे मिलाएंगे। अब हम यहाँ से सेंटर से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो तिरछी लाइन है इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे, इसे भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इसे यहाँ पे लॉक कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों बैक टक्स लगा लिए इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम स्लीव को भी ज्वाइन कर लेंगे लाइनिंग के साथ में। ये देखिए हमारी ये स्लीव की लाइनिंग है। तो ये जो हमारा नीचे जो हमारा ये एकम भाग ए पोर्शन है ये और ये ज़्यादा वाला पोर्शन है। तो ये हमारा बैक का आर्मोल रहेगा और ये फ्रंट का आर्मोल रहेगा। तो ये दोनों को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये दोनों फ्रंट आर्मोल है। अब हम इसके ऊपर ये मेन फैब्रिक रखेंगे। तो ये इसके ऊपर हम ये राइट साइड रखेंगे इस तरह से। ये भी राइट साइड रखेंगे इस तरह से और इनको हम बॉटम की तरफ सिलाई लगाएंगे। जो हमारी मोहरी है मोहरी की तरफ सिलाई लगा के हम इसे सीधा करेंगे। यहाँ हम मोहरी की तरफ से इसे सीधी सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे हम टर्न कर लेंगे। अब हमने यहाँ से सिलाई लगा दी, इसे टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद इसके ऊपर से फिनिशिंग सिलाई लगेंगे और इसे चारों तरफ से हम सिलाई लगा के इसे लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये दोनों स्लीव को लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब हम एक क्रॉस पट्टी को भी ज्वाइन कर लेंगे। क्रॉस पट्टी के ऊपर ये जो हमारी लाइनिंग है इसके ऊपर क्रॉस पट्टी इस तरह से रखेंगे। ये राइट साइड पे राइट साइड रखने के बाद सिर्फ हम यहाँ पे नीचे बॉटम की तरफ इसे सिलाई लगाएंगे, उसे टर्न कर लेंगे जैसे हमने स्लीव को किया था वैसे ही इसे भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसे हम देखिए इस तरह से टर्न कर लेंगे राइट साइड पे और नीचे हम एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा देंगे उसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों क्रॉस पट्टी को
ये देखिए रॉन्ग साइड से सिलाई लगाने के बाद इसे हमने इस तरह सीधा किया और ये साइड की सब ओपन साइड रहेगी। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हम ये फ्रंट का पार्ट लेंगे। इस साइड की जो हमारी क्रॉस पट्टी है ये देखिए एक पोर्शन ओपन करेंगे इसका लाइनिंग का और इसके ऊपर हम ये मेन फैब्रिक इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाई। अब इसे हम सीधा करेंगे ये देखिए इस तरह से और जो यहाँ से शोल्डर की तरफ से हम इसे थोड़ा सा राउंड करते जाएंगे। इस तरह से राउंड करने के बाद ये पोर्शन को हम अंदर की ओर ले लेंगे इस तरह से और जहाँ पे हमने सिलाई लगाई और ये लाइनिंग दोनों को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे साथ में और बाद में यहाँ से खींच के इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा दी। अब इसे हम सीधा करेंगे तो इसे हम इस तरह से बाहर निकालेंगे इसे। इस तरह से बाहर निकालने के बाद फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये लाइनिंग के साथ फ्रंट पार्ट ये ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने पांच बटन पट्टी ज्वाइन करनी है और नेक के लिए हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। ये बैक पार्ट भी हमारा रेडी है और ये स्लीव। तो इन्हें हम जैसे हमारे कटर ब्लाउज सिलते हैं वैसे हम इसे शोल्डर ज्वाइन करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे स्लीव लगाएंगे। तो ये लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक ऐसे ज्वाइन करते हैं ये आज हमने देखा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।